हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लियसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में नौकरियां आ गई हैं, पे सिक्योरिटी गार्ड के सामने खाली कर दी गई हैं। सैलरी की बात करें तो 25 से 30 हज़ार जो है इसकी तनख्वाह रखी गई है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाएं और आल के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि चैनल के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने अपना गूगल ओपन करना है और गूगल में आपने टाइप करना है pakistanjobbooks.com। जैसे ही आप pakistanjobbooks.com टाइप करके एंटर करेंगे, इस किस्म के रिजल्ट आपके पास ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर जो रिजल्ट ओपन होगा पाकिस्तान जॉब बुक्स वाला, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस किस्म की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के डायरेक्टली लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे उसी से क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे गवर्नमेंट जॉब्स की टैब आपको मिल जाएगी, जिसमें कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। फर्स्ट नंबर पर आप देखें तो डिफेंस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद जॉब्स 2022 के नाम से आपको एक ऐड मिल जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस किस्म की एक पोस्ट के ऊपर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर बात करें न्यूज़पेपर की, तो नवाए वक्त के न्यूज़पेपर में इसका ऐड पब्लिश हुआ था और 27 मार्च 2022 को इसका ऐड पब्लिश हुआ था। पाकिस्तान से और इस्लामाबाद में ये जो है जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एजुकेशन मैट्रिक रखी गई है, लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल 2022 रखी गई है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 30 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खाली हो गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं मैट्रिक या इससे ज़्यादा जो है तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और उम्र की हद जो है वो यहाँ पर रिटायर्ड फौजियों के लिए ये सामने जो है ये रखी गई है। यहाँ पर लास्ट नाइक जो है वो 40 साल की उम्र रखी गई है और NCOs के लिए जो है वो 43 साल की रखी गई है। सैलरी भी आप देखें तो 25 से 30 हज़ार रखी गई है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे पूरा जो है प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।